हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टेक्नो क्लब। दोस्तों मेरा नाम है कौशिक, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कलर ओएस 13 अपडेट के बारे में और एंड्रॉइड 13 अपडेट के बारे में। दोस्तों आपने यूट्यूब में हर जगह अब देख रहे होंगे कलर ओएस 13 के फीचर्स को, मतलब क्या कहो, ऑसम क्वालिटी के कुछ फीचर्स इंक्लूड किए गए एंड्रॉइड 13 के साथ। आप देख के हमारा ही सर चकरा गया, तो आपका क्या होगा तो हमें पता नहीं। और दोस्तों जो फीचर्स हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगा पर्सनली, जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, इतने सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, मेरा ही मन कर रहा है कि कब जाके अपने डिवाइस के अंदर भी कलर ओएस 13 अपडेट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों कलर ओएस 13 के अपडेट डिवाइस लिस्ट को देख लेते हैं, कौन से डिवाइस के अंदर कब जाके अपडेट देखने को मिलेगा। ओप्पो के ऑफिशियल डिवाइस लिस्ट आज हम देखेंगे कलर ओएस 13 के, चलिए देख लेते हैं। वेल आप देख सकते हैं कलर ओएस 13 और एंड्रॉइड 13 जो बेटा वर्जन है, रोल आउट टाइम लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगस्त से ही स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं इस मंथ से ही स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों आपको जो है 2023 का जो है फ्रॉम एज 1 वहाँ तक आपको सारे डिवाइस देखने को मिल जाते हैं। ऑफिशियल डिवाइस लिस्ट है ये, आपको देखने को मिल जाते हैं ओप्पो की तरफ से और कलर की तरफ से। सबसे पहले बात करते हैं अगस्त मंथ में, मतलब इस मंथ सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा फाइंड X5 प्रो जो ओप्पो का डिवाइस है, फाइंड X5। उसके साथ सितंबर में आपको फाइंड X3 प्रो एंड रेनो 8 प्रो 5G, साथ ही साथ अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगा रेनो 8 5G, रेनो 7 प्रो 5G, रेनो 7 5G, रेनो 7, रेनो 6 5G, F21 प्रो, K10 5G, A77 5G एंड A76। इतने सारे डिवाइस के अंदर आपको अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, इन तीनों मंथ जो अपडेट है कलर ओएस 13 के और एंड्रॉइड 13 के वो देखने को मिल जाएगा। वेल यहाँ पे नवंबर से आपको जो अपडेट देखने को मिलेगा रेनो 7 जी 5G के अंदर, रेनो 6 प्रो 5G के अंदर, रेनो 6 प्रो 5G दिवाली एडिशन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, रेनो 6 जी 5G के अंदर आपको देखने को मिलेगा, रेनो 5 प्रो 5G के अंदर देखने को मिलेगा, रेनो 5 प्रो के अंदर देखने को मिलेगा, F21 प्रो 5G के अंदर भी आपको नवंबर में ही अपडेट देखने को मिल जाएगा, F9 प्रो प्लस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, K10 के अंदर देखने को मिलेगा, A96 के अंदर भी आपको जो अपडेट है कलर ओएस 13 के वो नवंबर में देखने को, दिसंबर में आपको देखने को मिल जाएगा फाइंड X5 लाइट 5G, फाइंड X3 नियो 5G, फाइंड X3 लेट 5G, फाइंड X2 प्रो, फाइंड X2 प्रो ऑटोमोबाइल लैम्बोर्गिनी एडिशन, फाइंड X2 के अंदर रेनो 8 के अंदर, रेनो 8G 5G के अंदर, रेनो 5 5G के अंदर, रेनो 5G 5G के अंदर, A94 5G एंड A74 5G के अंदर दिसंबर में आपको कलर ओएस 13 के जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आपको जो 2023 के अंदर जो एज 1 होगा उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद एज 2 भी निकलेगा जरूर, वहाँ पे आपको ओप्पो पैड एयर के अंदर देखने को मिल जाएगा, रेनो 8 लाइट 5G के अंदर देखने को मिल जाएगा, रेनो 7 लाइट 5G के अंदर, रेनो 7 ए के अंदर, रेनो 6, रेनो 6 लाइट, रेनो 5, रेनो 5 मार्वल एडिशन, रेनो 5 एफ, रेनो 5 लाइट, रेनो 5 ए एंड F19 प्रो, F19, F19S, A95, A94, A77, A74, A57, S57S, A55, A54 5G, A54S एंड A53S 5G एंड A16S। इतने सारे डिवाइस के अंदर जो है आपको देखने को मिल जाएगा 2023 में जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब ये जो एज 1 है वहाँ पे आपको जनवरी एंड फरवरी के अंदर 2 मंथ में डिवाइड होगा, वहाँ पे आपको इन सारे डिवाइस के अंदर जो अपडेट है वो देखने को ज़रूर मिल जाएगा। मतलब इतने सारे डिवाइस के अंदर कलर ओएस 13 के अपडेट जो है अगस्त से ही स्टार्ट हो गया है, बहुत ही जल्दी आपके डिवाइस के अंदर भी कलर ओएस 13 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। मैं मिलता हूं साथ एक और नए वीडियो के साथ, अगर आपको इस तरह के अपडेट के ऊपर इंटरेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, मैं मिलता हूं साथ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।